हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है मेरे इस चैनल में आप लोगों का। मैं नीतू कुमार, कैसे हो आप सब? भाई आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत अच्छी। और आज मैं भी शेयर करने वाली हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ गाइस, जो प्रोडक्ट है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा लोग खरीद रहे इस प्रोडक्ट को। तो क्यों खरीद रहे, किस लिए खरीद रहे, कौन से स्किन पर यूज करने वाला प्रोडक्ट है, क्या ये सच में रिजल्ट देता है कि नहीं देता, ये जानना आप लोगों की जिम्मेदारी है गाइस। ऐसे कुछ भी प्रोडक्ट मत खरीदा करो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लिया करो कि प्रोडक्ट किस टाइप का है, ठीक है, हमारी स्किन पे सूट करेगा कि नहीं करेगा, क्या ये रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। रिजल्ट देगा तभी आप खरीदा करो और ऐसे प्रोडक्ट मत खरीदा करो, ठीक है। तो ये जो पॉपुलर प्रोडक्ट है इसकी सच्चाई जानेंगे कि ये प्रोडक्ट है वो सच में वर्क करता है कि नहीं करता। काफ़ी लोग इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं और मैंने भी बनाई हूँ, और आप लोगों को जो सच्चाई है वही मैं आपको इस वीडियो में बताई हूँ उस प्रोडक्ट के बारे में, जो कि मैं आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि प्रोडक्ट का नाम क्या है और ये किस टाइप से वर्क करता है, कितने टाइम तक ये वर्क करना पड़ता है इसका, और ये जो प्रोडक्ट है इसका क्लेम क्या है और कहाँ मिलेगा, और ये सच में हमें रिजल्ट देता है कि नहीं देता। ये पूरी सच्चाई मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ी सी भी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। चलिए बात करते इस प्रोडक्ट का नाम जान लेते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है वॉट रिमो ऑनमेंट। इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, इस टाइप का पैकेजिंग मिलेगा ये प्रोडक्ट, जो कि वॉट रिमोर क्या कहता है, वॉट को ये रिमूव करता है। जैसे कोई मसा हो जाता है अपनी स्किन में, इस टाइप के प्रॉब्लम हो जाती है जो कि इसको बोलते हैं मसा बोलते हैं, तो उसको ये रिमूव करता है। अगर हमारी स्किन पे ब्लैक तिल हो गए या फिर ब्लैक दाने हो चुके हैं अपने स्किन पे, तो उसको भी ये रिमूव करता है। इस प्रोडक्ट का क्लेम है कि अगर आपके स्किन पर किसी तरीके का मसे मुस बोलते हैं वो हो गया है, इस टाइप की स्किन पर इस टाइप के ये चीज़ें हो गई, इस टाइप की स्किन हो चुकी है आपकी स्किन पे, छोटे छोटे बारीक बारीक से दाने से निकले हुए रहते हैं, उसे बोलते हैं मसे बोलते हैं इस टाइप से, तो उसमें हम छूते हैं ना, कहीं पे भी हो सकता है, हाथ में भी हो सकता है, चेहरे पे भी हो सकता है, गले पे भी हो सकता है, तो उसको छूते हैं ना तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। लेकिन वो क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा भद्दा दिखता है स्किन पे, अच्छा नहीं दिखता वो, तो हम सोचते हैं कि इसको किस तरीके से हम रिमूव करें। सभी सोचते हैं कि इसको किस तरीके से हम हटाएं। देखो ब्लैक तिल होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक तिल होते हैं अपने फेस पे, भर जाता है फेस, तो वो भी हमें बहुत भद्दा दिखता है, तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि इसको कैसे रिमूव करें। तो उसके लिए क्या होता है कि प्रोडक्ट, काफ़ी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है, मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जिसके जिससे आप उससे उसके जरिए आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो क्या कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे भी होते हैं उससे रिमूव भी होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिससे रिमूव नहीं होता, पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो हमें सोच समझ कर खरीदना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो सोच समझ कर खरीदना चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट से हमारे जो प्रॉब्लम है वो रिमूव होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके पैसे वेस्ट हो जाए, ठीक है। जो कि ये प्रोडक्ट है इसका क्लेम है कि 7 डेज या फिर आपको 10 डेज में ही आपके जो जो मसे होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके की स्किन पे आपकी इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है वो रिमूव हो जाती है। जैसे ब्लैक तिल होते हैं वो भी रिमूव हो जाता है, मसे मुस बोलते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है आपकी स्किन पे, तो उसको ये रिमूव कर देता है, ठीक है, इस प्रोडक्ट का क्लेम है। और आपको ये अच्छे से रिमूव करेगा और बिगर साइड इफ़ेक्ट दिए बिगर ही, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देगा आपके स्किन पे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप इसको लगाओगे, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रोडक्ट को लगाना कब, कैसे लगाना है, तो आपको क्या करना है, ये प्रोडक्ट आपको सोते टाइम पर लगाना है, जहाँ पर आपकी स्किन पर इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, मसे हो रखी है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, ये जेल लेना है, जेल की तरह आता है ये, वो लेना है और आपको इस तरीके से आपको उस पर रगड़ना है, इस तरीके से रगड़ के और रखना है, हल्के हाथों से रगड़ के और वहाँ पे छोड़ देना है। मॉर्निंग में उठो तो आप उसको वॉश कर लेना, इस तरीके से आपको 10 डेज तक आपको करना है, इस तरीके से रेगुलर करना है। फिर बाद में इस प्रोडक्ट का क्लेम है, मैं नहीं बता रही, इस प्रोडक्ट का क्लेम है कि आपके 10 डेज में ही आपका जो मसे होती है, वॉट रहती है, उसको ये रिमूव कर देता है, जो तिल होता है उसको भी रिमूव कर देता है, बिगर साइड इफ़ेक्ट दिए बिगर। तो क्या हम जाने कि किसकी सच्चाई, क्या ये सच में रिजल्ट देता है कि नहीं देता, और ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा? तो आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट में बड़ी आसान से मिलने वाला प्रोडक्ट है ये, आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी शेयर कर दूँगी। अगर आप देखो सोच समझ कर खरीदना है, आप समझदार हो, ठीक है, तो आपको सोच समझ कर खरीदना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट होता है ना आपकी स्किन से मसे नहीं हटाता है, ठीक है,
हाँ, इस प्रोडक्ट का क्लेम तो है कि आपको बिगर साइड इफेक्ट दिए बिगर ही आपके जो मसे होती है, जो ब्लैक तिल होता है, ब्लैक दाग धब्बा होता है, उसको ही रिमूव कर देता है। लेकिन गाइस, इससे रिजल्ट नहीं मिला है, तो आपको सोच समझ कर खरीदना है। अगर काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि नहीं, हम ट्राई इसका ट्राई किया गया है, तभी मैं बता रही हूँ कि इससे रिजल्ट नहीं मिला है। वैसे इस प्रोडक्ट का क्लेम तो है कि आपको रिजल्ट 100% आपको रिजल्ट देगा, आपकी जो मसे है वो रिमूव हो जाएंगे, ब्लैक तिल भी रिमूव हो जाएंगे बिगर साइड इफेक्ट दिए बिगर। देखो गाइस, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो ना, पहले आपको चेक कर लेना, हल्का सा आपको ये प्रोडक्ट लेना है और थोड़ा सा चेक कर लेना है कि किस तरह की जलन खुजली, इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। हाँ, प्रोडक्ट का क्लेम तो होता है कि बिगर साइड इफेक्ट दिए बिगर ही आपको रिजल्ट देगा, ठीक है, लेकिन हमें चेक करना है। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट हमें ऐसे डायरेक्टली नहीं यूज करना है, ठीक है ना। और जहाँ पे भी हम यूज करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो उस जगह को हमें क्लीन करना होता है, फिर बाद में अप्लाई करना होता है कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप सोच समझ कर खरीदना है ये प्रोडक्ट। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, एंड करते हैं इस वीडियो को। और आई होप इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ी सी जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कॉमेंट करके जरूर बताएगा। और जिन्होंने वॉच किया इस वीडियो को, उनको बहुत बहुत थैंक यू। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।